हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है नसीर ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। तो आज हम अपने इस एसएम के हेलमेट में जो है वो इंटरकॉम इंस्टॉल करने वाले हैं और दिखाएंगे किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। उससे पहले हमने इसका जो भी पैडिंग है इंटरनल वो सारा रिमूव कर रखा है। इसको ये देखिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका जो बेसिक है वो है और जो भी पैडिंग होता है उसको रिमूव कर रखा है। और इसके अंदर जो है वो काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है, जैसे कि ये फोम देख रहे हैं आप, उसी तरीके का फोम इस साइड भी है। तो ये फोम जो है वहाँ पर हम स्पीकर को रखेंगे, इसको पहले हटा देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। और वहाँ पर स्पीकर आ जाएगा और साथ ही ये यहाँ जो आप देखेंगे मेरे फेस शायद आपको दिखाई दे या नहीं, यहाँ पर माइक लगाने का दिए हुआ है। ये जगह जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर माइक इंस्टॉल होगा, यहाँ से वायर जाएगा इस तरीके से और यहाँ से किस कैसे कैसे वायर जाएगा वो सारा इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी फीचर दिया हुआ है। चूंकि इस तरह का हेलमेट जो लेता है उसमें इंटरकॉम हो या फिर कैमरा हो, एक्शन कैमरा, वो लगभग लगभग इंस्टॉल करता ही है। तो ये जो फोम दिया हुआ है इसको पहले मैंने हटा दिया है। और इसकी जो पैडिंग है ये साइड पैडिंग है, लेफ्ट साइड की, ये राइट साइड की, और ये हेड के लिए है और ये चिन का पैडिंग है। ये सारा जो है हमने इसको रिमूव कर रखा है। और ये है हमारा इंटरकॉम जो कि हमने पुराने वाले हेलमेट से निकाला है और इस बॉबलो कंपनी का जो हेलमेट है इंटरकॉम है उसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये मेरा माइक हो गया, ये एक स्पीकर हो गया, ये इसका जैक हो गया और साथ ही ये इसका दूसरा स्पीकर हो गया। तो इस तरीके से ये ऊपर से वायर जाएगा, ये दोनों तरफ से माइक स्पीकर रहेगा और यहाँ पे माइक रहेगा। तो ये हमारा सेटअप होने वाला है। तो इसको हम पहले इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो वेलक्रो जो है वो यहाँ हम एक चिपकाएंगे, एक यहाँ चिपकाएंगे। तो इसका वेलक्रो जो है वो पुराने वाले हेलमेट में ऑलरेडी मेरे पास है तो हम उसमें से नहीं लेंगे। और ये जो हमारा इंटरकॉम का डब्बा है इसमें से हम वेलक्रो निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार के इसमें वेलक्रो आते हैं जिसे हम इंस्टॉल करने वाले हैं, यहाँ चिपकाएंगे इसके अंदर जो ये जगह दिया हुआ है इसमें। तो इसमें 3M का गमिंग टेप ऑलरेडी पहले से है, तो इसको मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ। तो हमारे हेलमेट में जो है वो पूरी तरीके से इंटरकॉम इंस्टॉल हो चुका है और सारे पैडिंग और कांच वो सब कुछ मैंने इंस्टॉल कर रखा है अच्छे से। आप देखेंगे तो एक साइड में जो है इधर हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ आप देखेंगे तो एक स्पीकर यहाँ है, दूसरे स्पीकर इस साइड में है, यहाँ इंटरकॉम है इस तरफ और इसका माइक जो है वो यहाँ पे माइक है। माइक शायद दिख नहीं रहा है, चलिए इसके अंदर यहाँ पे माइक है। और अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए और इसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो बटन है इस पर हम प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये ऑन होगा और फिर प्रेस करके रखे रहेंगे तो लाइट ब्लिंक करेगा। जैसे ब्लिंक किया इसका मतलब है कि ये पेयर के लिए रेडी है। अब हम अपने मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करेंगे और यहाँ वेट करेंगे थोड़ा सा। तो ये V6 नाम का डिवाइस जो है वो शो हो रहा है, तो वही है हमारा इंटरकॉम V6। अब पेयर हो रहा है तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो जब कनेक्ट हो जाता है तो इसका लाइट जो है वो कुछ 5-7 सेकेंड पे एक बार ब्लू कलर का लाइट जो है वो ब्लिंक करेगा इसी तरीके से 2 बार। तो ये कनेक्ट हो गया है। अब हम इसमें कुछ सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं इसका आवाज कैसा है। ये जो माइक है इसे हम अंदर ले जा रहे हैं, तो ये आवाज आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। तो ये इस तरह का कुछ हेलमेट है और इस तरीके से हम इसमें इंटरकॉम इंस्टॉल कर रखे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसे इंस्टॉल करके दिखाएंगे कि यहाँ किस तरीके से माउंट करते हैं। और इसके लिए हमें हो सके तो ये जो वेंटिलेशन है इसे शायद बंद करना होगा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है कहीं माउंट करने का। तो ये हमारा कैमरा है, इसे अब हम इसमें माउंट करने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो पे यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।